7 बजे हम लोग पहुंचे हैं और ऐसी जगह है ये कि क्या ही बताएं, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे, जंगल के बीच में यानी कहां जा रहे हैं हमें भी समझ में नहीं आ रहा। काफी डरावना रास्ता है, आ गए हैं क्या? कुछ दिख रहा है आगे मैप में? तो 2 मिनट बता रहा है। 2 मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट लेकिन आगे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 1 मिनट में तो रास्ते खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह सुबह आपको सीधा बाहर दिख रही होंगे, वो भी नाइट सूट पे, वो भी ऐसे हालत में क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। लेकिन माशे जी को ब्रेकफास्ट बाहर करना था तो उसने कहा कि नहाना भी बाद में आके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज हम लोग दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकल गए अपनी फेवरेट जगह पे। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, कॉफी पी एक एक, और अभी वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाके हमें होना है तैयार और निकलना है कहाँ? डॉग कैंपिंग। डॉग कैंपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेकर आज करजत। जो जो होता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। डॉग कैंपिंग के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी बुक्ड एवरीथिंग और मजा आने वाला है। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाएगा बिकॉज बच्चे साथ में होते हैं तो चैलेंजिंग तो देखो होता ही है। तो अभी एक बार घर पहुंच जाऊं, फटाफट तैयार होंगे उसके बाद और हम लोग पैकिंग वैकिंग करके अभी निकल जाएंगे। पैकिंग भी हुई नहीं है, सो वी वर नॉट श्योर कि जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, ऐसा थोड़ी श्योरिटी नहीं थी। लेकिन अभी श्योरिटी है और हम लोग निकल रहे हैं और अभी आपको दोबारा मिलेंगे घर पहुंच के। तो जी दोस्तों, घर पे आने के 2-3 घंटे बाद हम और हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है निकलने के लिए। पैकिंग सारी हो चुकी है, मैं एक एक करके सामान नीचे पहुंचा रहा हूँ, बच्चे एकदम तैयार हैं। आई एम सो एक्साइटेड, आज बड़े दिनों के बाद आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बच्चों को लेके मैं बाहर जा पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम से हम लोग इधर ही थे, आप लोगों को पता ही है क्यों, रीजन भी पता है। बट ये बनता था कि ये वाली आउटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी थी और बच्चों के लिए भी, और बच्चे किस तरह से एक्साइटेड है जरा देख लो। वो देखो दो यहाँ पे, एक तो एकदम ही दरवाजे पहुंच गई है अभी नहीं। बेटा रुक जा, मम्मा बाद में लेके जाएगी, पहले पापा को जाने दो। चप्पल पहनने दे बेटा। बेटा हम नहीं जा रहे अभी, पहले से वो तैयार है। चलो अंदर, अभी नहीं जा रहे। तुम जाओ ना अंदर, वो अपने आप चले जाएंगे। चलो 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 इधर इधर, चलो आ जाओ, आइए चलो, अभी नहीं जा रहे। मम्मा मम्मा जा ही नहीं रही अभी। चल ये आगे पीछे पीछे, अरे एक को निकाल रहे हैं दूसरा आ जा रहा है। चल चुंचा अंदर जा, अंदर जा, चल चुंचा जाओ। पापा का बेटा तो जी सामान सारा रख दिया गया है और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इसलिए कारीगरों को छुट्टी दे दी है। वैसे भी वो आके भी क्या ही कर रहे थे, तो इससे अच्छा छुट्टी ले लो 2 दिन की, क्योंकि 2 दिन काम भी करते तो भी तीसरे दिन वही होता जो हो रखा है। हाँ 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 हाँ, सब कर दिया बंद। नहीं तो सामान लेके मैं जाता हूँ। अरे दरवाजा बंद हो रहा है, जल्दी आओ। अरे यार पहली बार ताला लगा रही हो क्या? ये 1 घंटे से ताला बंद कर दिया। चलो मम्मी गई तुम लोग की, रो अब। अरे उसी फ्लोर पे कैसे आ गए हम? आया बड़ा ग्राउंड फ्लोर दबाना ही भूल गया। कोई रहेगा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। पहली बार लॉक कर रही थी क्या? दिल्ली जाम हो रहा है, क्या करूँ? जाम से जाम, बच्चे को दे दो मुझे। और ये जो कंबल है ना, ये पिछली वाली सीट पे रखना, वैसे ये भी रखना पिछली वाली सीट पे, क्या ही फर्क पड़ता है, सो जाएंगे सारे के सारे। सबसे ज्यादा बदतमीजी का यही बोलती है। किसको बिठा रहा है? अरे आ क्यों नहीं रही अंदर? तो तू कहाँ बैठेगी फिर अमिता? तो देखो चिंचा खुद ही चढ़ गई है। गाड़ी ऑन करो फटाफट, गर्मी है। कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सब चल रहा है। गाड़ी चालू नहीं हुई भी। हो तो गई, और क्या करूँ, इंजन का बटन नहीं दबा अभी तक। पगला गए हो क्या? ऑन है गाड़ी, ऑन है। मतलब लाइट खराब हो गई है यार। तुम्हें चेरी को ऊनी बिस्तर में बिठाना जरूरी है इतनी गर्मी में? अभी सब सेटल हो जाएगा अविनाश, 2 मिनट दो यार। तुम बताइए जाते वक्त इतना सब इतना क्योस क्यों होता है? हाँ। ये चेरी की वजह से नहीं होता, तुम्हारी वजह से होता है। तुम हो हाइपर, वो एकदम ठीक है। मेरा ना पीछे बैग में, पीछे ना बैग में चश्मा है, वो चश्मा दे दो। मुझे निकलते ही भूख लग गई बहुत जोर से, और जरा ATM पे रोको पैसे निकालना है। करते हैं। 1 रुपया भी नहीं जेब में। जेब में? तो जी मंजिल पे पहुंचने से पहले, जहाँ सबसे पहले गाड़ी रुकती है वहाँ रुकती है, कॉफी लेने जा रही है संभावना।
और यहाँ मच गया कलेश। कलेश मच गया, कलेश मच गया भाई। आ रही आ रही आ रही, रुक जाओ रुक जाओ। ये लीजिए कॉफी आ चुकी है। इतनी सारी कॉफी? अरे अमिता की कोल्ड कॉफी लाई थी। अमिता कलेश को सेट कर दो सब। एक सेकंड, सब सेट कर रही हूँ। कोई भौंकेगा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये अमिता तेरी कॉफी आराम से पी सकती है तू। कोल्ड कॉफी है और इसी में फेंक देना पीछे ये ले। और ये हमारी कॉफी चलेगी। छुनछा पापा का बेटा। पापा बेटा मम्मा के पास आ गया क्या? पापा का बेटा, पापा का बेटा। तुमने बोला था ना मैं सब सेट कर रही हूँ। सेट कर रही हूँ। कॉफी निकाल देते हैं और निकाल देते हैं बोल के मेरी गोद में रख दी। अरे भाई कुछ हेल्प तो करोगे ना? नहीं नहीं अभी तो बहुत नेता बन रही थी तुम। सब कर रही हूँ, सब कर दूंगी मैं। ए, ये निकालोगे हेल्प तो करो ना। ओहो अच्छा पापा का बेटा। मत खोलो, मैं खोल दूंगा। खोल दोगे? चलेंगे। अभी पहले पेट्रोल भरवाना है, हवा भरवानी है, फिर निकलेंगे। एटीएम से पैसे भी निकालने हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा बीच में ब्रेक लिया। ब्रेक मतलब बच्चों को कुछ ट्रीट्स वगैरह देने के लिए, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया हुआ है। आई हैव टू गिव देम। रुको आ रहा है खाने का सामान। आज मैं कोई नहीं, रोना नहीं है, कोई भी नहीं रोएगा। मेरे बच्चे भूखे हैं यार। और जो मैं बच्चा ऐसा थोड़ी है कि मम्मा को जाने के लिए बच्चों को भूखा रखना है। फाड़ दोगे इसको? तुम खोल भी सकती थी आराम से। खुलता नहीं है ना, मुझसे नहीं खुलता। वो चेरी को खिलाना। कैंडी का है? कैंडी का तो आप दी, खाई पूरा खा रही। हाँ, ये तो दोनों चेरी के लिए दी थी वो है। नहीं जल्दी कैंडी खा गई, दे आधा और इसको। तुझे ये बिल्कुल नहीं मान रही है, इसको ऐसे ही सोना था। क्या कर इसका यार, गाड़ी नहीं चलाने देती, कुछ नहीं करने देती। इस लड़की को सिर्फ मैं ही चाहिए। पापा के पास नहीं जाएगा? पापा के पास जाएगा। तुम्हारी टांगी मोटी मोटी है ना, उस पर नींद आ जाती है इसको। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी पे नहीं आती, मेरी पतली पतली उसके बीच में गिर जाती है। ये देखो कैसे पड़ी हुई। तो जी रास्ते में हमको जो रास्ता 2 घंटे का लग रहा था वो हो गया 4.5 घंटे का। इतना ट्रैफिक, मुंबई से निकलते निकलते ही हमको 3 घंटे लग गए। सब जगह काम चल रहा है, कहीं मेट्रो, कहीं पुल, कहीं ब्रिज, कहीं हाईवे, और हमने बीच रास्ते में रोक दिया है। संभावना इनको सुसु करा रही है जरा, क्योंकि बहुत रो रहे थे। साइड पे गाड़ी लगा दी, अब एक एक करके बाकी दोनों को भी करवाएंगे। ये हो गई है पागल एकदम। के क्या वो मम्मी की उतर गई बीच में। तो जी अब हम लोग फिर से निकल गए हैं और अभी भी 1 घंटा 10 मिनट मैप में बता रहा है। 2 बजे हम लोग निकले थे, 5:30 बज चुके हैं, यानी कि 3.5 घंटे हो चुके हैं। अभी 1 घंटा और बता रहा है। अब रास्ता तो एकदम साफ है, सारा तो खून पी लिया ट्रैफिक ने, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा तो लगेगा ही। अब तो सुसु कर लिया ना तूने, अब क्या है, हैं? रास्ते में इतनी ज्यादा हम लोग थक गए हैं ना आज। एक्चुअली टाइम ज्यादा लगा है, जगह तो उतनी ही है, लेकिन टाइम इतना ज्यादा लगा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ना। फिर दिमाग खराब हो गया। अभी अविनाश यहाँ पे रुका है एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे। बच्चे बच्चियां भी भूखी होंगी, मेरी भाभी भी बस आने वाले अब तो। और 20 मिनट्स में ना बेटा। रोना नहीं है मेरा बच्चा, रोना नहीं है। अभी मम्मा बिस्किट देगी, बिस्किट खाएंगे हम लोग सारे, ठीक है? सारे बिस्किट खाएंगे। पापा देखो पापा का वेट कर रही है। ओ पापा आ गए चलो चलो। वो बिस्किट लाए, ये हमारी बिस्किट चाहिए थे। हमारी भी है, गुड्डे भी है। जी रात के 7 बजे हम लोग पहुंचे हैं और ऐसी जगह है ये कि क्या ही बताएं। ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे, जंगल के बीच में यानी कहां जा रहे हैं हमें भी समझ में नहीं आ रहा। काफी डरावना रास्ता है। आ गए हैं क्या? कुछ दिख रहा है आगे मैप में? तो 2 मिनट बता रहा है। 2 मिनट? 1 मिनट। लेकिन आगे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 1 मिनट में तो रास्ते खत्म हो जा रहा है। नहीं लाइटें चल रही है आगे, मुझे कुछ पता नहीं है। और आगे रास्ता ही नहीं है। होगा चलो आगे है रास्ता भाई। अरे लेकिन बड़ी गाड़ियां कैसे आएंगी? बस धीरे धीरे चलो, पंचर ना हो जाए। वो सामने लाइट मारो थोड़ी सी, मैं आपको दिखा दूं। यहां पे हम लोग आ गए हैं और बहुत सुंदर है ये, लेकिन आई डोंट नो रात को आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। कहाँ जाना है? पता नहीं, हमें ही जाना है टेंट्स के अंदर, वो रहे टेंट्स। सांप भी आ सकता है इधर। तो जी हम लोग आ गए।
गए अपने टेंट में, बहुत ही छोटा सा है, इसमें सब कैसे फिट होंगे पता नहीं। नहीं तो हम दोनों है ना, अमिता का अलग है टेंट। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, हम तीनों, हम दोनों और हमारे तीन। हाँ ये तो करने पड़ेंगे फिट, क्या करोगे, सोएंगे हमारे साथ। चल अमिता तेरा टेंट देख लेते हैं। चुंचो पापा इसका एक कुतरा हुआ है देखो। चुंचो को इसकी कमीज भी उतर गया है। इधर पता नहीं मेरे पैंट में पता नहीं क्या क्या लगा दिया इन्होंने। बेटा चलिए उधर नहीं जाना, इतनी अंधेरा हो गया है। है ये जगह बहुत खूबसूरत है, अंधेरे में खूबसूरत लग रही है अभी तो। चंचा चंचो ना जा, आ जा 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 आ जा। तो जी यहाँ पे बॉनफायर शुरू हो गए हैं, वो देखो वहाँ स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर म्यूजिक, लाइव म्यूजिक है और सब अपने डॉगीज के साथ सब बैठ गए हैं यहाँ पे। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं अपनी कॉफी का वेट कर रही हूँ। अविनाश की कॉफी आ गई है और हम लोग थोड़ा सा चिर मारे हैं। यहाँ पे ठंड है काफी, मतलब मैं नाउ आई एम रियलाइजिंग कि स्वेटर की जरूरत है मुझे। खाने का टाइम हो गया और खाना वी डोंट गिव देम राइस। व्हाट एल्स इज देयर? चिकन वेजीज एंड ब्रॉथ। देयर इज चिकन राइस वेजीज एंड ब्रॉथ। आई थिंक चिकन वेजीज एंड ब्रॉथ। आ जाओ सारे खाना खाएंगे भाई। अभी खाना खाने का टाइम भी हो गया है ना, सब खाना खाएंगे। आ जाओ अमिता। तो इनका बोल अच्छा है भाई, कम चेरी। आपको बड़े बोल से यही क्या? नहीं दिस इज फाइन। आई थिंक चेरी विल हैव द होल थिंग। चेरी ची ऊपर ले लो ना इसको। आ जाओ चेरू कम। चेरी मुंह तो उठा लेगी, उसको तकलीफ हो रही है खाने में ना। पहले देख लो कि कोई और खाएगी अभी। इसके लिए तो पहली बार होगा ना, चुनचुन के लिए तो पहली बार है ना। तो मजे आ गए ना, पहली बार खाया ना इसने। हम देते ही नहीं ना, कहाँ देते हैं इसको। ओके चिकन चिकन नाइस चिकन। बस कर ये कैंडी को दे दे बस। ओके कैसा लगा आपने? अंकल को बताया कैसा लगा? अंकल को बता दो आपको बहुत मजा आया है खाने में। ओ शी जस्ट बहुत पूरा डकार मारा है, लाइक ओ पूरा डकार मारा है। पहली बार उसने उसके अलावा कुछ और खाया ना, इसको नहीं चाहिए। चुनचुन को चाहिए उसको, लेकिन वो बहुत उसमें है। डॉग्स को देख के ना, लोगों को देख के परेशान हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई शी इज लाइक दिस। धीरे धीरे उसको ना जितना हो सके, बहुत कोशिश करती हूँ मैं इसको बाहर ले जाना, सोशलाइज कराना। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है डॉगी का।